भागलपुर अकबर नगर में अवैध रूप से चल रही खाद्य दुकानों में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिससे अवैध खाद्य कारोबारी दुकानदारों के बीच हड़कंप मच गया, जहां अकबर नगर थाना पुलिस की सहयोग से अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा अवैध रूप से चल रही संतोष इंटरप्राइजेस खाद्य दुकान अकबर नगर में छापेमारी कर भारी मात्रा में यूरिया खाद्य एवं डीएपी खाद्य बरामद किया गया। वहीं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अरविंद झा ने बताया कि बिना लाइसेंस के अवैध रूप से यूरिया खाद्य एवं डीएपी खाद्य की कालाबाजारी संतोष इंटरप्राइजेस खाद्य दुकान अकबर नगर के मुख्य बाजार में किया जा रहा था, जिसकी गुप्त सूचना पर अकबर नगर थाना के सहयोग से भारी मात्रा में यूरिया खाद्य एवं डीएपी खाद्य बरामद किया गया है, जहां अकबर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई जुट गई है। जांच की तरफ में आए थे तो ग्रुप ने सूत्र से सूचना मिली कि यहां कि यहां पे यहां जो कि ये जो खाद है वो इलीगल बेचा जा रहा है, तो कुछ लोगों के द्वारा बोला गया कि गलत यहां खाद मिलता है। तो उसी तरह में यहां पर आए तो इसे जब मांगा गया कि भाई आप अपना यहां अनुज्ञप्ति जो लाइसेंस होता है वो दिखाइए, तो उनके द्वारा लाइसेंस नहीं दिखाया गया और दुकान को फोर्सिंग बंद कर लिए गए, जो कि नियम अनुकूल नहीं है। और इसी क्रम में मैंने उनको बोला कि आपका कहाँ गोदाम है खाद का, ये दिखाइए, तो वो कुछ नहीं कोऑपरेट किए हैं। तो यहाँ पर यह लोकल के स्तर से जांच करके पता चला इनका दो गोदाम है यहाँ पास ही में, थाना को भी बुला लिया गया है इसके लिए, और उनका यहाँ जो है रिजो ये क्या कहते हैं सबूतनामा बनेगा, कितना है उसको जब्ती में बनेगा, क्या क्या मामला है, कितना खाद के पास है, और सारे जांच करके इसको यहाँ एफ आई आर किया जाएगा। मैंने गैर लाइसेंसी तौर पर यहाँ पर खाद बिकने का गुप्त सूचना था, उसी पर जाँच किया गया। तो ये क्रम में ये लोग जो हैं जो दुकानदार हैं वो फरार हो गए हैं, तो थाना को बुलाया गया है संदर्भ में और सभी लोगों की मदद से इसको खुलवाया जाएगा, और डी ओ को भी बुलाया गया है, यहाँ कोऑर्डिनेटर भी आ गए हैं, और उसको खोल करके इसका पूरा जो बनाया जाएगा। दुकानदार का क्या नाम है? दुकानदार तो उसने बताया था पप्पू नाम है, और बाहर में संतोष इंटरप्राइजेस लिखा हुआ है इसके दुकान में, और इसके पास कोई भी दुकान का लाइसेंस नहीं है। सामने में गोदाम है वहाँ पर भी संतोष इंटरप्राइजेस, इसकी अभी जाँच की जाएगी और सारा इसका जानकारी। अरविंद कुमार की रिपोर्ट।